व्यूअर्स, आज मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे थंबनेल में देखकर कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ। हाँ, मैं वही दिखाने वाला हूँ कि मेरे टी शर्ट में ये लोगो कैसे आ गया मेरी चैनल की। अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है, अपना टी शर्ट में ये लोगो लगाना चाहती है, तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, जो भी है, अगर खुद अपना तस्वीर यानी अपना फोटो अपने टी शर्ट में लगाना चाहती है, वो भी लगा सकती है। तो देखिए मेरी वीडियो की गहराई तक। और उससे पहले मैं कहता हूं, ये टी शर्ट ध्यान से फिर देखिए। तो देखा ये मेरी चैनल की लोगो। तो ये देखने के लिए यार, जानने के लिए तो मेरे साथ चलना होगा कोलकाता तक। तो चलिए मेरी वीडियो की गहराई तक। मैं अभी घर से बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त आने वाला है, उसी के साथ ही मैं कलकसिया में जाएंगे। शायद वो रास्ते में आती ही होगी, तो मुझे इस रास्ते पर इंतज़ार करना होगा। यही रास्ते से वो आएगा तो थोड़ी देर इंतज़ार करें। ये आ गया। तो अभी हम दोनों जाएंगे कलकसी में, उसके बाद देखते रहिए। मैं तो फाइनली कोलकाता में एंट्री ले चुका हूँ। अब एक शॉप पर जाएंगे, वहाँ पर एक स्पोर्ट्स की टी शर्ट लेंगे, उसके बाद स्टिकर लगाएंगे। और हाँ, एक दोस्त कॉलेज में गया, अरे नया दोस्त है, इसके साथ जाएंगे अभी। अभी मैं एक दुकान के अंदर घुसा हूँ। इस दुकान में शायद मिलेगा हमारी वो टी शर्ट तो मैं ढूंढ रहा हूँ पूरे कोलकाता में। तो आपके पास कोई वाइट टी शर्ट है, मिलेगा तो देखेंगे। तो दिखाइए। शायद ये टी शर्ट मेरे काम की है। तो ये व्हाइट टी शर्ट क्यों जरूरी है इतना, क्योंकि और ये स्पोर्ट्स की है। अगर मैं कॉटन में लेता तो ये पेंटिंग काफ़ी अच्छा नहीं होता। अगर मैं ये टी शर्ट धो देंगे तो वो पेंटिंग हट जाएगी। अगर ये स्पोर्ट्स की टी शर्ट लेंगे तो ये धोने के बाद भी ये पेंटिंग रह जाएगी, इसलिए मैं ये व्हाइट सिलेक्ट करूँगा। तो ये कितना की है? सिर्फ 150 में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो इससे भी ज्यादा महंगा भी ले सकती है। अभी फिदार्ट में जाएंगे, उसके बाद पेंटिंग शुरू कर देंगे। मेरी पीछे वो स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक की सामने वाली जो रास्ते है ईस्ट में जाती है, तो वहाँ से चलते वक्त ही आपको ये फिदा आर्ट की हाउस मिल जाएगी। तो मैं अभी फिदा आर्ट हाउस के अंदर घुस गया। वो देखिए मेरे सामने बोर्ड में फिदा आर्ट लिखा हुआ है।
ये बैनर देखिए, फिदावट की बैनर, आप कॉल करके पूछ सकती है। तो मैं अभी रूम के अंदर घुस रहा हूँ। ये है फिदा आर्ट की ऑफिस रूम। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना काम कर रही है। ये है मेरा चैनल का लोगो। ये जो मेरे चैनल का लोगो अभी प्रिंट करेगा, ये देखिए प्रिंट हो रहा है। और ये है टी शर्ट में पेंटिंग करने वाली मशीन जो ये बंदा साफ कर रही है। देखिए यहाँ से ही पेंटिंग करेगा मेरे टी शर्ट में। पहले मेरी ये टी शर्ट देख लीजिए। और ये देखिए ये जो मशीन दिख रही है, ये मशीन पर बड़े बड़े बैनर पेंटिंग होते हैं, जैसे कि फिल्मों में बनाई जाती है बैनर, और जो चुनाव लड़ती है, इलेक्शन लड़ती है, उसमें बैनर बनाई जाती है। वो मेरे चैनल के लोगो पेंटिंग किए हुए जो कागज है वो अभी काट कर रही है, क्योंकि ये काट करने से ही वो जो टी शर्ट है उसकी लेवल पर बिठा सकती है। वो देखिए पेंटिंग हो गया, कितना खूबसूरत पेंटिंग हुआ है। जो कागजों में पेंटिंग थी वही पेंटिंग अभी मेरे टी शर्ट में चिपकी हुई है। तो अभी पहन कर देखता हूँ कैसा लगता है, शायद अच्छा ही लग रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा जरूर कैसा लगा। ये फिदावट पर सिर्फ ये टी शर्ट ही नहीं बनते, यहाँ पर बहुत सारे चीज पेंटिंग होते हैं, जैसे कि चुनाव लड़ते हैं उसमें बैनर लगती है वो भी बैनर पेंटिंग होते हैं, और टाइल्स में भी पेंटिंग होते हैं, जैसे कि दीवार में लगाई जाती है वो भी पेंटिंग ये फिदावट पर बनाई जाती है। इससे भी ज्यादा और पेंटिंग बनाई जाती है जो मुझे शायद पता नहीं। अगला वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे क्या क्या पेंटिंग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।